दोस्तों मेरा नाम है निखिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन में जो डायल पैड होता है इसकी तीन ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे बताने वाला हूं ना, जिन सेटिंग का यूज करके आप सभी को मजा ही आ जाएगा। अभी तक आप सभी अपने फोन में ये जो डायल पैड होता है इसका इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को मिलाते होंगे, उसके पास कॉल करते होंगे, बस यही आप कर पाते होंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को ये जो डायल पैड है जिसकी तीन खुफिया सेटिंग के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो वो सेटिंग आप सभी को करके मजा भी आएगा, साथ ही में जब आपके फोन में डायल पैड में इन तीनों सेटिंग को कोई भी देखेगा ना तो देख के पूरी तरह से चौंक जाएगा। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं तीनों सेटिंग कौन सी है, कैसे इन तीनों सेटिंग को आप भी अपने फोन के डायल पैड में कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये तीनों सेटिंग डायलर में कौन सी है और किस तरीके से ये तीनों सेटिंग आप अपने फोन में कर सकते हैं, अपने फोन के डायलर में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों सेटिंग मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि इन तीनों सेटिंग का काम क्या है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये तीनों सेटिंग आप भी अपने फोन के किसी भी डायलर में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों सेटिंग का काम क्या है। तो यहां पर मैं अपने दूसरे वाले फोन से, यहां पर इस वाले फोन से, इस वाले नंबर पर यहां पर कॉल कर लेता हूं। हेलो निखिल भाई इज कॉलिंग। हेलो निखिल भाई इज कॉलिंग। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही मैंने इस वाले फोन से इस वाले फोन पे कॉल किया तो यहाँ पर हमारे फोन में जिसका भी कॉल आ रहा है उस बंदे का नाम बोल के यहाँ पर बता रहा है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पर एक लड़की की फोटो लगी हुई है जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन का जो कॉलर स्क्रीन का स्टाइल है वो भी आईफोन जैसा यहाँ पर हो चुका है जो कि देखने में और भी अच्छा लग रहा है। तो ये तीनों सेटिंग अगर आप भी अपने फोन के डायलर में करना चाहते हैं ताकि जब भी आपके फोन पे किसी का भी कॉल आए तो सामने वाले बंदे का जो भी नाम है आपका फोन आपको बोल के बता दे, साथ ही में आप अपने कॉलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में अपनी फोटो लगा सकते हैं या फिर गर्लफ्रेंड की फोटो लगा सकते हैं या फिर आप जिसकी भी फोटो लगाएंगे वहीं पर वो फोटो नजर आने वाली है और आपके कॉलर स्क्रीन का जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल आईफोन जैसा हो जाएगा। तो ये तीनों सेटिंग अगर आप भी अपने किसी भी फोन के डायलर में करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आप सभी को अपने फोन के डायलर में कौन कौन सी सेटिंग्स को कर लेना है। तो इस तरह की सेटिंग अपने फोन के डायलर में करने के लिए आप सभी को गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है और आप सभी को अपने फोन में ये वाली एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है आई कॉल स्क्रीन ओएस 14। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में डाउनलोड करके मतलब सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब डाउनलोड करके जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहां पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको लेट्स डू इट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको सेट डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आई कॉलर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको सेट एज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप राइट के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने आईफोन वाला जो डायलर है वो आ जाता है और यहां से आप किसी के भी नंबर को आईफोन स्टाइल में, आईफोन डायलर स्टाइल में मिला सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर आप वो तीनों सेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि किस तरीके से जब भी आपके फोन पर कोई भी कॉल करेगा तो कैसे उसका नाम आप सभी का फोन आप सभी को बोल के बता दे, वो सेटिंग कैसे आप करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को सेटिंग में कॉल अनाउंसर करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्पीक कॉलर नेम के ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो स्पीक अननोन नंबर है इसको भी आपको ऑन कर देना है। इसके बाद ये जो नंबर ऑफ टाइम अनाउंस है इसके ऊपर क्लिक करके इसको आपको 7 कर देना है। फिर आप सभी को दोस्तों ये जो सेट लैंग्वेज है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी अपनी लैंग्वेज को ढूंढ लीजिएगा। यहां पर मेरी लैंग्वेज हिंदी इंडिया है तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर देता हूं। इसके बाद यहां पर आपको हेलो लिख देना है या फिर आप मिस्टर लिख सकते हैं या फिर दोस्तों आप अपने मतलब किसी का भी नाम बोलने से पहले क्या बोलना चाहिए वो यहां पर आप लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं हेलो लिख देता हूं, आप भी हेलो यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप सभी को सेव कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको फोटो वाली सेटिंग दिखा देता हूं कि किस प्रकार से जब भी आपके फोन पे किसी का भी कॉल आएगा तो वहां पर आप अपनी मर्जी की फोटो सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चेंज वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर देना है, यहां पर आपको ग्रांट परमिशन करके अलाउ कर देना है और राइट के निशान पर क्लिक करके अगेन आपको चेंज वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने पहले से भी काफी सारे वॉलपेपर आ जाते हैं जिन्हें आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी की फोटो वहां पर लगाना चाहते हैं तो यहां पर आपको चूज गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है और अपनी गैलरी में जाके आप जो भी फोटो वहां पर आप सेट करना चाहते हैं उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं ये फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इसके बाद दोस्तों इस फोटो को आप अपनी मर्जी से यहां पर एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों ये जो फोटो इस तरीके से आ जाएगी, फिर आप सभी को राइट के
निशान पे क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने कॉलर स्क्रीन में आईफोन स्टाइल कॉल बटन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेंज कॉल बटन स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले स्टाइल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप सभी का जो काम है हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल करेगा तो वहां पर दोस्तों आपका फोन जिसका भी कॉल आएगा उसका नाम भी बोल के बताएगा, साथ ही में बैकग्राउंड में आपने जो भी फोटो सेट की होगी वो फोटो भी नजर आएगा और आपका दोस्तों जो कॉलर स्क्रीन है वो आईफोन बटन के स्टाइल में नजर आने वाला है। तो ये तीनों सेटिंग दोस्तों आप इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। काफी अच्छी एप्लीकेशन है, यूजफुल एप्लीकेशन है, आपको यूज करने में भी मजा आएगा और किसी को दिखाएंगे बताएंगे तो वो भी इस एप्लीकेशन से काफी मतलब चौंक जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये जो वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।